बढ़िया से पहले बातों को समझ लो, तब कॉपी करने में आसान होगा। प्रिपेयर ए प्रॉपरली रूल्ड परचेज डे बुक, अंडरलाइन करो परचेज डे बुक को, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 1 जनवरी क्या खरीदे हैं? 400 केजी सुगर एट द रेट ऑफ कितना रुपया केजी? 16 पर केजी आर परचेज फ्रॉम, अंडरलाइन करो, रॉय एंड सन्स। पहले रॉय एंड सन्स का नाम लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मेट में एक चीज देखे होंगे आप लोग, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है, बाकी सब प्लस हुआ है। बाकी सब क्या हुआ है? प्लस हुआ है। तो 400 केजी इंटू 16 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें पैकिंग एंड फ्रेट 200 है, तो 200 उसके साथ प्लस कर देंगे। याद है ना, अभी हम लोग एड किए थे। दो नंबर, 15 जनवरी को आप 200 केजी क्या खरीद रहे हैं? कितना रुपया करके? तो 200 केजी इंटू 50 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा। किससे खरीद रहे हैं? तो दत्ता एंड कंपनी को अंडरलाइन करो, क्योंकि पहले उसका नाम लिखेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है? 10%। आगे और भी है, जो सम्स है उसमें एक और एंट्री है। 25 जनवरी को 100 केजी क्या खरीद रहे हैं? सनफ्लावर, कितना करके? तो इंटू कर देंगे। आर परचेज फ्रॉम भारत प्रोडक्ट, भारत प्रोडक्ट को अंडरलाइन करो, फ्रेट कितना रुपया? और ट्रेड डिस्काउंट 12.5, ट्रेड डिस्काउंट 12.5। तो पहले याद कीजिए फॉर्मेट, प्रोडक्ट का जो दाम है उसको लिखते हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, बाकी सब प्लस होगा। तो यहां पर 150 रुपया प्लस करेंगे। जल्दी से कॉपी करिए। जिससे खरीदेंगे पहले उसका नाम लिख दिए, देख लीजिए जो चीज खरीद रहे हैं, यहां पर बढ़िया से लिख दीजिए क्या खरीद रहे हैं। 400 केजी एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, सीधा प्लस करेंगे। जनवरी 15 किसका नाम लिखेंगे बोलिए? तो दत्ता एंड कंपनी लिख दिए, जो चीज खरीद रहे हैं इसके नीचे लिखेंगे। एट द रेट ऑफ अमाउंट 10,000 आ रहा है, इस बार लेस होगा। 10% क्या है? 5th डेट बताइए, नाम बोलो, किससे खरीदे हैं? लेस, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 12.5 लिख दिए। अमाउंट हो गया 4,500,
4500 का 12.5% करिए, 562। पहले हम क्या बोले थे, पहले इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, अब एक आ गया ओरिजिनल अमाउंट और एक आ गया आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। अगर भेट देता यानी सेल टैक्स तो इसके ऊपर निकालते, एक्साइज ड्यूटी देता तो इसके ऊपर निकालते, लेकिन यहां पर अभी क्या बोला है बोलिए, फ्रेट कितना, तो इसके साथ 150 और प्लस कर देंगे, फोर जीरो एट सेवन पॉइंट फाइव जीरो। अभी सभी को प्लस कर दो, वन नाइन सिक्स एट सेवन पॉइंट फिफ्टी, ये टोटल हो गए। कितना आसान बात है, सो देखिए, पहले नाम लिखेंगे, क्या प्रोडक्ट खरीदें, कितना खरीदें, रेट क्या है, इंटू कर दीजिए। अगर ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो पहले उसको लेस करेंगे, नहीं है तो हम लोग पैकिंग को प्लस करके बाहर लिख दिए। डेट चेंज किए, दत्ता एंड कंपनी से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं पता चल गया, कितना करके खरीद रहे हैं ये भी पता चला, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए, यहां अमाउंट लिख दिए, बट इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिए। अगर इसमें कुछ भी और रहता पैकिंग तो एड कर देते पैकिंग, लेकिन यहां पर तो अभी नहीं है इसलिए अमाउंट बाहर चला गया। बट यहां पर देखिए क्या हुआ, 25 तारीख को भारत प्रोडक्ट से हम लोग 100 केजी सनफ्लावर खरीद रहे हैं, कितना करके 45, तो क्वांटिटी भी और अमाउंट भी पता चल गया, लिख दिया यहां पर, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट इस बार दिया हुआ है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो फॉर्मेट है उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम लोग कैलकुलेटर से 4500 का 12.5% कैलकुलेट किए, आ गया, माइनस कर दिया, ये आ गया, बट इसके साथ हम लोग को प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर यानी कैरेज यानी फ्रेट दिया हुआ है, तो लिख दिए, सभी को प्लस कर दिए। अभी एक बात को जज करना बहुत जरूरी है कि अभी शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि अगर आप यहां परचेज डे बुक लिखते हो तो परचेज डे बुक हो जाता है, और अगर सेल्स डे बुक लिखते हो तो सेल्स डे बुक हो जाता है,